रामायण काल में बाली के किरदार से हम सब वाकिफ हैं। वानर सेना को नियंत्रित करने वाले बाली कितने ताकतवर थे, इस बारे में हम सब जानते हैं। और एक बार फिर से बाली ने बंदरों से बचाने की जिम्मेदारी ली है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई हिस्सों में बंदरों की ऐसी दहशत आपने देखी होगी, हिमाचल से लेकर जयपुर, यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं बंदरों ने। लेकिन अब इन बंदरों से बचाने के लिए आ गए हैं बाली। ये बाली अपनी तकनीक के साथ नजदीक आने वाले हर बंदर भगाने की क्षमता रखता है और इसको तैयार किया है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने। गर्ल्स हॉस्टल में बंदरों की बहुत प्रॉब्लम थी, तो गर्ल्स की काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी। ये देखते हुए हमने ये मंकी रिपेलेंट डिवाइस उनके लिए बनाया, क्योंकि लंगूर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ये सोचते हुए हमने ये मंकी रिपेलेंट डिवाइस बनाया। दरअसल ये एक मंकी रेपेलेंट है जिसमें सेंसर लगे हैं और कोई भी बंदर इसके नजदीक आता है तो इसमें से लंगूर की आवाज निकलती है जिससे डरकर बंदर भाग जाता है। इंजीनियरिंग के जिन छात्रों की तरफ से ये मॉडल तैयार किया गया है, उनका कहना है कि उन्होंने कई जगहों पर इसकी टेस्टिंग की है और हर जगह पर इसके नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और दूर दूर से लोग अब इस मॉडल की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बंदर मंकीज बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो जिसके कारण हमें कोई मतलब रेमेडी निकालना था, जिसके लिए हमने ये मंकी रिपेलेंट बनाया। तो एक्चुअली मैं ये जैसे जैसे इसके रेंज में मंकीज आते जाएंगे, ये अपना काम करता जाएगा और मंकी को भगाता जाएगा। इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। पहले केवल पहाड़ी इलाकों में बंदरों की दहशत होती थी, लेकिन अब मैदानों में भी बंदर लोगों की जिंदगी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में इन छात्रों की ये पहल लोगों के लिए राहत बनकर आई है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।